हेलो दोस्तों, शुक्ल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज लेके जा रहा हूँ आपको मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। और एक्चुअली ना थोड़ा सा काम मुझे HDFC बैंक में है, और फिर कुछ सामान भी लेके आना है। तो ये देखिए, शॉप में बहुत सामान कम हो गया है, तो वो लेके आना है। और आप लोग मेरे साथ चलिए, हम सभी चलते हैं इकट्ठे और देखते हैं, बिलासपुर भी दिखाते हैं आपको कैसा है हमारा बिलासपुर। तो चलिए देखिए, हमारे उस्ताद जी NK साहब, हमारे उस्ताद और एक और साहब बैठे हैं पीछे। देखिए आप लोग, ये साहब जी बैठे हैं पीछे। तो अब हम चल पड़े हैं, और आप लोग भी चलते रहिए हमारे साथ, और दिखाते हैं आपको अपने बिलासपुर के इलाके को और वहाँ की नई नई चीज़ें, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। तो चलते हैं, देखते रहिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्हें भी मेरी वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ आगे से आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज जो यहाँ पे एम्स भी है, एम्स का काम चला है अभी, ये पूरे इंडिया में तीसरे नंबर पे है एम्स, तो इसका काम चला है। अंदर जाने की तो मनाही है, यहाँ पे अंदर नहीं जाने देते हैं। तो बाहर से मैं जितना हो सके वो सारी क्लिप्स आपको दिखाऊंगा कि कितना की काम हुआ है और कितना चल रहा है और कितने बड़े एरिया में जो है वो एम्स है। तो आप ऐसा करना कि मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना प्लीज़। और आपको ना मैं गांव की रियलिटी दिखाता हूँ हर एक जगह पे। ये देखिए दोस्तों, अब हमने गाड़ी साइड में खड़ी कर ली है, और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ के जो बाउंड्री है वो कितनी है और कैसे काम चला है। तो आप लोगों को प्लीज़ आप आगे से ज़रूर देखना कि कैसे जैसे यहाँ पे काम चला है और किस तरीके का है। आगे जाना तो यहाँ मना है, मतलब यहाँ पे ना आगे से शूट नहीं कर सकते, तो मैंने ये बार बार से शूट किया है। और अभी काफ़ी सारा काम हो गया है और बहुत सारा भी बाकी भी है, तो आप देखते रहिए कि क्या क्या जो है वो हुआ है और कैसे कैसे कर रहे हैं लोग। तो मैं ये ज़बरदस्ती आगे एक गेट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वैसे यहाँ पे अलाउ नहीं है दोस्तों। तो देखते रहिए आप क्या क्या काम हो रहे हैं। हमने देखा है ना, ये भी एक ब्लॉक तैयार हो गया है, और ये जो दो आप देख रहे हैं इनका काम चला है, और देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। वैसे देखने का तो बड़ा मज़ा आता है, हमारे को नीचे जाना अलाउ नहीं था, तो नहीं तो हम नीचे से भी शूट करते। वहाँ जहाँ पे काम लगा ना वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ भी जाके मैं शूट कर सकता था, बट यहाँ से ही मैं फिर कैप्चर कर रहा था सारी चीज़ें। तो वहाँ जाना अलाउ नहीं है किसी को भी नहीं। और देखिए बहुत सारा काम चला है, और तीन ब्लॉक है ये जो लोहे की फैक्ट्रियों के बन रहे हैं ना, तो ये तीन ब्लॉक हैं अभी और जो अभी तैयारी पे हैं। ये भी कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि काम तो अभी जोरों पे चला है। और अभी ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, तो ये ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8-10 साल तो लग ही जाएंगे पूरा कंप्लीट होने के लिए। बट वैसे जोरों पे चला काम, अभी ज़्यादा नहीं तो 6 महीने होंगे। और ये देखिए कैसे सामान लेके जा रही है ये वाली मशीन, नज़दीक से भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, बड़ी बैटरी लेके जा रही है ये मशीन। वैसे मशीनी काम है तभी इतनी जल्दी हो रहा है, वैसे इसको बहुत टाइम लग जाता, बट मशीनी काम है तो ये जल्दी हो जाएगा, कुछ दिनों में तैयार हो सकता है। तो अभी पता नहीं है कितने दिनों बाद तैयार हो जाएगा, बट हम एस्टिमेट ही लगा सकते हैं कि कब तक जो है ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ की लोकेशन आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से व्यू सारा। तो ये पैराग्लाइड का भी यहीं से है, ऊपर वाली पहाड़ी जो लास्ट में मिली थी आपको, इस पहाड़ी से जो है पैराग्लाइड भी होता है, तो यहाँ भी ले चलूँगा किसी दिन आपको मैं भी। अभी हम बिलासपुर चले हैं, तो बिलासपुर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे क्या क्या है बिलासपुर के एरिए में। वैसे थोड़ा सा शूट कर पाऊँगा, बहुत काम है अभी।
कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे काम करने के लिए। एक ब्लॉक जो है वो बन के तैयार हो गया है और अभी और जो है वो स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं, देख रहे हैं आप। और सारे जो है वो ये लोहे की गाडरे हैं जो जिनसे बन रहे हैं। और ये है यहाँ का मेन गेट, यहाँ से मेन एंट्री होगी। और आप ऐसे ही देखते रहें, बहुत काम लगा है, बहुत जगह है, बहुत बड़ी बाउंड्री है इनकी यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे। अब पहुंच गए हम बैंक, HDFC बैंक में, और अब यहाँ पे काम करवाने का वो करवा लेते हैं और फिर जब चलेंगे तो आपको दिखा दूँगा मैं। ठीक है जी। और अब हम जो है वो यहाँ से चल पड़े हैं, तो आगे देखते हैं बाज़ार में। और यहाँ पे मैंने स्पीड फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप लोग भी फिर बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने स्पीड फास्ट कर दी है। और ये देखिए ऐसा जैसा है यहाँ का बाज़ार, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सका, प्लीज़ सॉरी। और किसी दिन पक्का आऊँगा तो अच्छे से शूट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना जल्दी थी, मैंने सामान भी लेना था और काफ़ी देर लग गई मुझे बैंक में भी। तो नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो अच्छे से मैं भी यहाँ का जो दृश्य है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी मैंने ऐसे चलते चलते ही जो है वो सारे सीन लिए, पर आप मुझे माफ़ करना प्लीज़, ऐसा नहीं है, मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं था और मैं जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर रहा था, इसलिए मैंने वीडियो भी फास्ट कर दी। एक्चुअली ये भी वैसे लंबी हो गई थी मैंने जो जो ली है, पर मैं बाहर से ही ले सका। और इत्मीनान से कभी आएंगे तो आपको अच्छे से मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को अच्छे तरीके से दिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पे ये सेब बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, तो यहाँ पे वैसे चौक है, ये है हमारे बिलासपुर का चौक, तो यहीं साथ में ही नीचे जाके बस स्टैंड है। तो अभी चौक हम क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए ऐसे ही आगे तक, बने रहिए कंटिन्यू। ये है यहाँ का बस स्टैंड, तो ये है हमारे बिलासपुर का बस स्टैंड। और आप लोग देखिए यहाँ ऐसे जैसे अभी गाड़ियाँ भी नहीं है, बसें भी नहीं है, इतनी कम है, बट ये है हमारे बिलासपुर का बस स्टैंड। और यहाँ पे सवारी अभी बैठी है, वेट कर रही है अपने बस का, जहाँ जहाँ जाना होगा इन्होंने, तो देखते रहिए आप लोग। बिलासपुर में ही बस स्टैंड के साथ ही लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, तो यहाँ पे जो है वो शादियाँ भी होती है, जैसे लोग शादी करते हैं घर से नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे शादियाँ भी करवाते हैं। और ये देखिए बुजुर्ग आदमी यहाँ पे बेच रहे थे कुछ, और आप बस ऐसे ही साथ में ही, अब हमने जो है वो सामान लेना है तो वहाँ के भी छोटे छोटे व्यूज़ आपको दिखाता हूँ। और फिर वापस हमने घर को हो जाना है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, अभी पता नहीं कम से कम तो कोई 4 बज गए होंगे यहीं पे ही, तो अभी वापस भी होना है, सामान लेने के लिए टाइम भी लगेगा, तो आप देखते रहिए और हम अपना काम भी करते रहेंगे। चलिए।
अब हम जो है वो सामान लेने लग गए हैं, तो अभी ये ले रहे हैं और आगे देखते रहिए आप। थोड़ा थोड़ा ही व्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब वीडियो लगता मैं बनाने तो काफ़ी टाइम लग जाना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शूट किया मैंने और फिर हमने वापस होना है। तो देखते रहिए आप क्या क्या लिया। छोटी मोटी चीज़ें ली हमने, ज़्यादा नहीं लिया है। सॉरी दोस्तों, आगे वीडियो ख़राब हो चुकी है और मैंने सोचा था सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको आगे भी, पर एक्चुअली ना वीडियो ख़राब हो गई, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। यहीं तक शूट कर पाया, वैसे किया तो मैंने सारे था। आगे जब सामान हमने नीचे लाया गाड़ी के पास, तब भी शूट किया था, और जब हम शॉप पहुँचे अपनी तो वहाँ भी शूट किया था। बट वो शूट तो कर दिया मैंने, बट वो ख़राब हो गई वीडियो, तो मैं नहीं दिखा सका, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से कुछ नया लेके मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।